आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। सुबह ध्यान में लवलीन हो जब कर हो जब घाटिया चारोहने सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया जब आपने उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान ज्योति प्रकाश डालो वीर मेरे भी ये काउन नमो कारम अरिहंताणम तहे वसीधाणम आयरियव्वजायाणम लोयम्य सबसावूनम। बड़े देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बड़े आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य रत्न श्री अजीत सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 सन्मति सागर जी महाराज की, मुंडा श्री अनुपम सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की, बोले संरक्षण पर्व की, बोलो चंद्रमती माता जी की जय, बोलो दक्षिणवती माता जी की जय। दशलक्षण पर्व का आज अंतिम दिन है। कहाँ शुरुआत हुए थे दशलक्षण पर्व, आप समाप्ति की ओर चल गया। आज का धर्म हमारा कौन सा है? आज का धर्म हमारा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म नाम आत्मा और चर्य माने आत्मा में रमण करना, आत्मा में रमना, आत्मा में लीन होना, इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। इसके पश्चात प्रत्येक मानव को अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य का विचार अवश्य करना चाहिए। अभी आपने यहां पर ब्रह्मचर्य के अर्घ चढ़ाए थे, ब्रह्मचर्य पूजा के साथ उनमें क्या क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले उसमें बताया स्त्री चार प्रकार की होती है। कितनी होती है? स्त्री चार प्रकार की होती है। सबसे पहले मनुष्यनी, दूसरी त्रियंचनी, तीसरी देवांगनाएं और चौथी काष्ठ की, पाषाण की, चित्राम की, कागज पे बनाई हुई, ये सारी स्त्रियां अजीव कहलाती है। तो तीन तो जीव होती है और एक अजीव होती है। इन चारों प्रकार की स्त्रियों को देखने के पश्चात कभी भी राग हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। आज मानव सोच नहीं पाता है स्त्रियों के मुख को देखकर अथवा स्त्रियां पुरुष के मुख को देखकर रागी बन जाती हैं। परंतु आपने कभी सोचा कि सारे शरीर से सुंदर कौन सा है?
सारा शरीर में अगर हम देखें हाथ पैर पीठ पेट मस्तक सारी चीज देखें तो उसमें सुंदरता कहाँ की है? किसकी है? मुख की होती है। सुंदरता किसकी होती है? मुख की होती है। इसलिए मुख को देखकर का मानव रागी बनता है। लेकिन कभी ये सोचा आपने कि सबसे ज्यादा घिनौना मुख ही है? नौमल द्वार बहे निश्वास नाम लिए घिनावे। इस शरीर में नौ दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों से जो चीज निकलती है उसका नाम लेने मात्र से क्या होता है? ग्लानि उत्पन्न होती है। जिन माने ग्लानि उत्पन्न होती है। कभी सोचा आपने जिस मुख पे मानव राजी होता है वह मुख सबसे ज्यादा घिनावना है। सात दरवाजे मुख पर है। कितने? सात दरवाजे मुख पर होते हैं। दो कान, दो आंख, दो नाक, एक मुख है। कितने हुए? आप सोचिए जिसके ऊपर रागी बने हो सारी गंदगी वहीं पर भरी हुई है। अगर किसी बच्चे का भी मुंह से लाल गिर रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, आंख में गीड़ भरे हुए हो और सामने आकर बच्चा खड़ा हो जाए तो खाना खा सकोगे? हैं? या तो उस बच्चों को कहोगे या उसकी माँ को कहोगे बच्चे का मुंह साफ करो, नाक साफ करो, आंख साफ करो। खाना नहीं खा सकोगे, सोचो आप। और मानव उसी पे रागी बन करके मरना जानता है। इसमें ये भी आया आज पूजा में कि बाण जब पांच प्रकार के होते हैं और उन बाणों के साथ अगर मानव उस चीज को नहीं प्राप्त करता है तो मरना चाहता है। सोचिए। और ब्रह्मचर्य व्रत कितने प्रकार का होता है? ब्रह्मचर्य व्रत कितने प्रकार का होता है? ब्रह्मचारी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बाल ब्रह्मचारी जिन्हें कीचड़ ही नहीं लगाया, जैसे हमारे पांच तीर्थंकर, हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज, क्या थे ये? बाल ब्रह्मचारी। सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मी सुंदरी, ये सब बाल ब्रह्मचारी थे। दूसरा ब्रह्मचर्य कीचड़ लगाने के बाद क्या करना होगा? उसको लगाए रखोगे? अगर कीचड़ में पैर पड़ गया मान लो भूल से भी तो क्या करोगे? उसका धोगे नहीं, वैसे रखोगे? है तो दूसरा ब्रह्मचारी ना, दूसरा ब्रह्मचारी है। स्व स्त्री को छोड़कर बाकी सारी स्त्रियां माता बहन पुत्र के समान समझो। जब श्रीपाल कोटिवर मैना को छोड़कर विदेश जाने लगे तो मैना सुंदर ने एक ही उपदेश दिया, जहां भी आप जाओगे वहां बहुत सुंदर सुंदर नारियां मिलेगी आपको, लेकिन सभी नारी को आप माता बहन सुता पहचानो। ये हमारे दूसरा ब्रह्मचारी का लक्षण है। स्व स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का त्याग करना। रात को एक प्रश्न आया था कि हनुमान जी के कितनी रानियां थी? बोले नहीं बाल ब्रह्मचारी थी। नहीं, हमारे हनुमान जी के 8,000 रानियां थी। कितनी? और राम, राम के कितनी थी? एक सीता। जानते हो आज किसी से पूछो तो क्या कहेंगे? बोले एक सीता। नहीं, 16,000 रानियां, 8,000 रानियां रामचंद्र जी के थी, 16,000 लक्ष्मण के थी, 18,000 रावण के थी। सोचिए आप। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी थे। इतनी हजार रानियां होने
के बाद भी वो क्या थे? ब्रह्मचारी थे। स्वस्त्री को छोड़कर पर स्त्री का त्याग था उनको, इसे भी ब्रह्मचारी कहते हैं। और तीसरा, स्वस्त्री का भी त्याग कर देना, ये भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जो सातवीं प्रतिमा के धारी होते हैं। सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। जो स्वस्त्री का भी त्याग कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। उनमें प्रत्येक मानव को तीनों में से एक का अगर भूल से आपने कीचड़ लगा भी दिया तो कम से कम धोने का प्रयास करो। अगर नहीं धो पाते हो तो कम से कम अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का त्याग करो। आज की चर्या जो हमारी है, चर्चा जो हमारी है, वह एक ही है कि प्रत्येक मानव को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 365 दिन होते हैं, कितने आप सोचिए। अंजन चोर था, अंजन चोर, सप्त व्यसनी था, सप्त व्यसनी, लेकिन जिस समय वो वेश्या के पास पहुंचा और खिड़की से उसे चंद्रमा दिखाई दिया तो उसने पूछा वेश्या से, आज पूर्णमासी है क्या? क्या पूछा? आज पूर्णमासी है क्या? उसने कहा हाँ। बोले मैंने पूर्णमासी के ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया है। सोचिए आप, एक महीने में एक दिन का भी व्रत आपको स्वर्ग ले जाएगा। तो हमारे 16 कारण वर्ष में 3 बार आते हैं, 10 लक्षण वर्ष में 3 बार आते हैं, अष्टानिका पर्व हमारे 3 बार आते हैं और अष्टमी चतुर्दशी एक महीने में 4 बार आती है। अगर इतना भी त्याग करते हो पर्वों के दिनों में, अगर इतना भी आप त्याग करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, तो स्वर्ग तो आपको अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए आज का धर्म हमारा आत्मा में रमण करने का पुरुषार्थ है। पर्वों के दिनों में भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो और स्वाध्याय करके आत्मा में रमण करो। चाहे 4 लाइन की स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय में क्या आया था, क्या चीज लिखा था, क्या हमने पढ़ा, अगर उतना भी याद हो जाए तो बहुत है। एक जुआरी था, जुआरी रोज जुआ खेलने जाता था। जुआरी के पास क्या होती है? ताश की पत्तियां होती है। एक दिन उसको नियम था कि मैं मंदिर के दर्शन करूंगा और 4 लाइन स्वाध्याय के करूंगा, इसके बाद जुआ खेलने जाऊंगा। जब सुबह वो आया तो मंदिर का दर्शन हो गया, लेकिन मंदिर का ताला बंद था। बाहर से उसने दर्शन किए, लेकिन वो सोचने लगा कि बिना स्वाध्याय के तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उसके नियम था। सर्दी का समय था, कोट पहन रखा था, कोट के अंदर उसने हाथ डाला तो ताश की पत्तियां निकल गई। उसने सोचा इसी के स्वाध्याय कर लेता हूं। क्या सोचा? ताश की पत्ती का ही स्वाध्याय कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। तब उसने शुरुआत से करी। ताश की पत्तियाँ कितनी होती हैं जानते हो? कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13 होती है। 13 को 4 बंटवारों से 52 किया जाता है, बाकी पत्तियाँ 13 ही होती हैं। तो पहली पत्ती इक्का, इक्का माने आत्मा एक, आत्मा के साथ शरीर भी मिलने वाला नहीं है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। अब उसने जब दूसरी पत्ती निकाली तो उसने सोचा मैं आत्मा को कैसे पहचान सकता,
ये दो है, दो माने राग देश की परिणति। जब तक राग देश रहेगा तब तक आत्मा मिल सकती नहीं है। जब तीसरी पत्ती आई तो उसने सोचा राग देश कैसे छूटते, ये तीन है, जब तक रतनजय की साधना नहीं होगी तब तक राग देश छूटने वाला नहीं है। जब चौथी पत्ती आई तो उसमें चार थे, उसने सोचा रत्नजय के बिना ये चार गतियां छूट सकती नहीं है। और रत्नजय की साधना से चार आराधना की जाती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। जब पांचवी पत्ती आई तो क्या आया, पांच, क्या चीज, पांच पाप को छोड़े बिना पंच परमेश्वर से मिल सकते नहीं है। जो पापी होगा वो भगवान के दर्शन नहीं करेगा, भगवान का अंकन करेगा, क्या चीज की है इसमें, क्या चीज कितनी है। जब छठी पत्ती आई तो उसने क्या किया, छह आवश्यक की साधना करी, पूजा, शास्त्र, गुरु की सेवा, संयम, तप, दान, ये छह प्रकार की क्रियाओं से आत्मा का कल्याण होगा। जब सातवीं पत्ती देखी तो उसने सोचा ये सात नरक संसार के दुख के कारण है, लेकिन सात तत्वों को जाने बिना नरक छूट सकता नहीं है। जब आठवीं पत्ती आई तो उसने सोचा आठ कर्म अनाज काल से लगे हुए हैं, इन आठों को दूर करना होगा। जब नौवीं पत्ती आई तो उसने सोचा नौ पदार्थ संसार में होते हैं, कौन कौन से जानते हो नौ पदार्थ है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये नौ पदार्थ संसार में होते हैं, इनको जानना अति आवश्यक है। जब दसवीं पत्ती आई तो दस धर्म आ गए। आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, चिंतन करो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सो संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, दस धर्म होते हैं, इन दस धर्मों से उस एक को प्राप्त कर सकते हैं। ग्यारहवीं पत्ती क्या है भैया, बोलो क्या नाम है उसका, गुलाम। जिस दिन दो पैर थे उस दिन स्वतंत्र थे आप, और जिस दिन से माता पिता ने चार पैर बनाए लिए जानवर, तो क्या बन गए आप, चार पैर किसके होते, जानवर, सोचिए आप, गुलाम। सेठ का गुलाम रहता है, वो जहां ले जाओ वहां जाना पड़ता है, और जहां उसे छोड़ना है वहां उसे छोड़ दिया जाता है। तो आपके चार पैर कौन से बने, आपके माता पिता ने बंधन में बांध दिया। गाय भैंस को क्या करते हो, चारा चर के आती है बंधन से बांध देते हैं, तो आपको भी माता पिता ने क्या किया, बंधन से बांध दिए। अब आपके चार पैर हो गए तो किसके गुलाम बने, माँ कहती है मुझे मंदिर जाना है बेटा, मुझे मंदिर लेके चलो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे सिनेमा देखने जाना है तो मंदिर छूट जाएगा, कहाँ जाओगे, बोले मम्मी आज नहीं कल कर लूंगा दर्शन, आज तो मुझे पिक्चर देखने जाना है, बोलिए आप, तो गुलाम है ना। और बारहवीं पत्ती कौन सी आती है, उसको देखकर कभी रागी ना हो जाना, वो भी एक स्त्री है। इसलिए हम जितने भी हैं सब रानियों के गुलाम बने हुए हैं, और वो कहती है यहाँ बैठना है तो यहाँ, यहाँ उठना तो यहाँ, यहाँ जाना है तो वहाँ, वहाँ जाना है तो वहाँ। और तेरहवीं पत्ती मिल जाती है, क्या चीज है, क्या है, बादशाह। अब या तो इनके गुलाम बन जाओ या इनको गुलाम बना दो, ये बादशाह का काम है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्त्रियां डरती रहती है, वो कहता नहीं यहीं बैठना है तो वो यहीं बैठेगी,
और कोई कोई स्त्रियों के गुलाम होते हैं, वो स्त्री करते नहीं, यहीं बैठना है तो बेचारा बैठ जाता है, क्या करो, है ना। तो ऐसे बादशाह बनो जो हम कर्मों की निर्जरा करके मुनि पर धारण करके तपस्या करे और कर्मों की निर्जरा करके उस एक को प्राप्त करो। सारी 13 चीजों को छोड़ो, एक को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बादशाह बनना होगा और कर्मों की निर्जरा करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा और इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और यही हमारी आत्मा की चर्या 14 स्थान में प्राप्त होती है। शील व्रत के कितने दोष होते हैं, कितने होते हैं, 18,000, कितने होते हैं शील व्रत के, कितने दोष हैं, 18,000, और वो 18,000 शील व्रत के दोष 14 स्थान में पूरे होते हैं, वहां ब्रह्मचर्य होता है, आत्मा में चर्या वहां होती है। इसलिए उस स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव को अंतिम पत्ती का ध्यान करते हुए बादशाह बन के कर्मों की निद्रा करने के लिए ऐसे दिगंबर भेष को धारण करो जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सके और सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकते हैं। आज ब्रह्मचर्य धर्म की हेलो और नमोस्तु कहते हुए महाराज जी से निवेदन करेंगे। हे पूज्य महाराज जी, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबके जीवन का उद्धार करें और हम जो संसार में अनादिकाल से जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं उससे मुक्ति पाएं, ऐसा हमें आप अपने आशीर्वाद आशीर्वचन बोलें। पूज्य महाराज जी, देवाधिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चरित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर धर्म सागर जी, विमल सागर जी, भरत सागर जी, विद्यान जी महाराज, आचार्य सुत सागर जी, प्रज्ञा श्रोमणी अमित सागर जी महाराज की, बंधु सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य की बात होती है। सभी कहते हैं स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियों के लिए पुरुषों से दूर रहो। बात दूर और पास की नहीं है, बात परिणामों की है कि किस समय हमारे परिणाम कैसे होते हैं। किसी को देखकर या स्त्री को देखा है या इस पुरुष को देखा है, उस समय हमारे अंदर वाइब्रेशन क्या होता है सोचो। एक धागा यदि आप माताजी के पास आए और माताजी ने आपको एक धागा दिया, पत्नी का धागा और पति का धागे में दोनों में अंतर है तो मात्र एक धागे के पीछे वाइब्रेशन हो जाता है, तो समझ लो स्त्री को देखा पुरुष ने तो उसके अंदर वाइब्रेशन, पुरुष ने देखा स्त्री को तो उसके अंदर वाइब्रेशन। प्लानिंग नहीं है, जिस प्रकार से आप के हाथ में अचानक धागा दिया, अचानक आपको मिला, वाइब्रेशन हो गया, ऐसे ही कभी भी किसी भी वक्त हमारे अंदर वाइब्रेशन हो सकता है। और परिणाम जब भी बिगड़ते हैं तो निमित्त मिलने पर बिगड़ते हैं। अभी माता जी ने 4 प्रकार की स्त्रियों को बताया कि जीव और एक अजीब कागज की चित्र आदि देखकर शादी हुई, कुछ लोगों की शादी हो गई। आपकी शादी जब पक्की हुई तो आपको तुरंत लड़की दिखा दी गई, पहले क्या दिखाया, फोटो,
फोटो पे ही मन मचल गया, फोटो पे ही वाइब्रेशन, अंदर क्या क्या होने लगा एक मात्र फोटो देखकर। अब सोचो कि फोटो देखकर हमारे अंदर इतना वाइब्रेशन होने लगता है, तो यदि साक्षात यदि सामने आ जाए तो अंदर क्या परिणाम होते। इसीलिए कहा है निमित्त से दूर रहो। किसी का नाम भी निमित्त हो सकता है, लेकिन जब जब भी जिसके भी परिणाम हुए हैं, कुलभूषण देशभूषण किनको देखकर, पता नहीं था उन्हें, देखकर जो स्त्री है और परिणामों के अंदर कितनी दूरी पर है, लेकिन परिणामों में कितना हलन चलन हो गया। सुपर्ण खां कोई प्लानिंग बना के नहीं आई थी कि जंगल में मुझे कोई मिल जाएगा, वो तो अपने पुत्र के पास जा रही थी, लेकिन अचानक दो राजकुमारों को देखकर पुत्र भूल गई। ये ऐसा राग है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। जरा से मैं बेटा बेटा पति सब कुछ भूल गई, इतने परिणाम कि कब कहां परिणाम परिवर्तन हो जाए। इसीलिए कहा ऐसी संगति से दूर रहो। अकेला रहना मंजूर, लेकिन जो है गलत संगति कभी ना करो। हमें ऐसी संगति करना चाहिए जहां हमारे परिणाम अच्छे रहे, परिणाम बिगड़े ना। अन्यथा एक बार परिणाम बिगड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है संभलना। अभी माता जी ने बताया राम की कितनी थी, रावण की कितनी थी, या तो एक है, एक में तो हिले पड़े हैं, क्योंकि विकृति ज्यादा है, हमारे अंदर से संस्कृति नष्ट हो गई है। और जब संस्कृति नष्ट होकर विकृति आती है तो परिणाम डोलने लगते हैं। अभी शादी करने के बाद भी व्रती कहा, लेकिन आज संतुष्टि नहीं है। कि इस व्रत को शादी करने के बाद भी यदि कोई पुरुष है तो शादी करने के बाद मेरी पत्नी सदा संतोष व्रत, और उसके बाद छोटी बड़ी बराबर की, तो क्या है, मां बहन बेटी के समान है। स्त्री के लिए पुरुष यदि अपने पति के अलावा क्या है, भाई पुत्र पिता के समान है। सिर्फ दृष्टि का खेल है कि हमने किसी को देखा, देखने में बाधा नहीं, हमने उसके बारे में सोचा, बाधा नहीं, लेकिन हमने जो है जो नहीं सोचना था वो सोच लिया,
वो विचार कर लिया, बस यही सबसे बड़ी बाधा है। कुछ लोग छूने से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, छूने से ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो रहा। यदि तो फोटो दिखा दिया जाए, अभी तुमने सिर्फ देखा है फोटो को और तब किसी के बारे में गलत विचार करने, शादी से पहले पत्नी से बात नहीं होती, पत्नी की बात हो सकती है कि मेरी पत्नी बन जाएगी, लेकिन पत्नी से बात नहीं हो सकती। पत्नी से बात कब होगी? शादी, चाहे वही लड़की है लेकिन अभी ये मेरी पत्नी नहीं है, बन सकती है। पत्नी कब कहलाएगी? शादी होने के बाद। जाघर नारी बसे, बागर वसेन हरी, और जाघर हरी बसे, बागर वसे न कोई। जिस घर भगवान का वास होता है उस घर कोई दूसरा फिर नहीं अच्छा लगता। हमारे हृदय में तो कौन है? भगवान है। और जिस घर में नारी बस जाए फिर भगवान नहीं बस पाए। हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, चाहे जैन रामायण हो चाहे अन्य रामायण हो, यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो अन्य रामायण में कहा है कि हनुमान का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। अन्य लोग कहते रामायण देखी रामानंद सागर की, उसमें एक पुत्र बताया है मकरध्वज। तो जब बाल ब्रह्मचारी थे तो भाई पुत्र कहां से आ गया? कि पसीना टपका मछली से जो है पुत्र पैदा हो गया। एक बात ध्यान रखना, जानवर से जानवर पैदा होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते। जानवर से जानवर पैदा होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते। और फिर कहा पसीने से, पुत्र कभी पसीने से पैदा नहीं होते हैं, रज और वीर के मिलने पर जो है स्त्री और पुरुष की, रज और वीर के मिलने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। जब पुत्र है तो फिर बाल ब्रह्मचारी कैसे है? पत्नी थी, हो सकता है साथ में लेकिन ना चलते हों, इसीलिए किसी को पता नहीं चला तो कह दिया हो, लेकिन अपनी विचारधारा है। लेकिन आज हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने पुत्रों को बच्चियों को आदि ब्रह्मचर्य व्रत दिलाना चाहिए, साधु संतों के चरणों में ले जाकर ब्रह्मचर्य व्रत दिलाना चाहिए कि जब तक इन बच्चों की शादी नहीं होती तब तक के लिए जो क्या है ब्रह्मचर्य व्रत है। कम से कम वो कहीं रहेंगे तो मर्यादा में तो रहेंगे, न किसी के साथ भागेंगे न किसी को साथ भगा कर लाएंगे। उन बच्चों को धर्म से जोड़ो, धर्म की पाठशालाओं में भेजो। यदि कहीं अवसर भी मिला भगाने का भी तो कम से कम जैन तो आएगी, अन्य जातियों की नहीं आएगी। अन्य जाति की संतान उत्पन्न होने वाली
क्या वह मुनि आरिका बन सकती है? विसंगति हो गई, इसलिए अपनी समाज को, अपने कुल को सुरक्षित करने के लिए, धर्म को सुरक्षित करने के लिए मुनि परंपरा, आहार परंपरा को जीवंत करने के लिए हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, उन्हें धर्म से जोड़ना चाहिए। और जिन बच्चों को धर्म से जुड़ते हैं, धर्म के संस्कार रहते हैं, वह बच्चे मार्ग से भटकते नहीं है। कोई कर्म का उदय आ भी गया है तो भी जो है उन्हें समझाने पर वह मार्ग पर आ जाते हैं कि मेरी कुल की परंपरा क्या है। स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। बच्चों को ऐसे संस्कार हमें देना चाहिए। इसीलिए जिन जिन का अपने जीवन में जिनकी शादी हो गई है, अब उनको ब्रह्मचर्य व्रत की, मेरी पत्नी के अलावा सब मेरे भाई बहन आदि जो हैं, पुरुषों को, स्त्रियों को ब्रह्मचर्य व्रत, और वैसे महीने में एक दिन का, दो दिन का, अष्टमी का, चतुर्दशी का, ऐसे इन ब्रह्मचर्य व्रत हमें पालन करना चाहिए। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कहा गया है ब्रह्मचर्य व्रत, और इस व्रत का पालन देखिए कुरल काव्य में क्या कहा है। जो नारी सुबह उठकर पति को क्या कहते हैं, पति परमेश्वर, तो परमेश्वर को क्या करते हैं, हाथ दिखाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। जो नारी सुबह उठकर अपने पति के चरण छूती है, बरसात से बादल भरे हुए जो है उनका कहा मानते हैं, उसने कहा बरस तो पानी बरस जाते हैं। कौन कौन छूता है, एक ज्योति बस, ये क्या नाम है, सोनिया, बाकी के तो जो है। अच्छे, अभी एक महिला क्या कह रही थी, बोली जो है कि मैं सुबह अपने पति को उठाती, पैर पकड़ के ही उठाती कि उठो, दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में कि इस व्रत की इतनी महिमा है, कहा है भूमि के अंदर से निकला हुआ पानी शुद्ध है, पति व्रता नारी शुद्ध है, जो न्यायपूर्वक राजा राज करता है वह शुद्ध है, और ब्रह्मचारी सदा सुचि, हमेशा शुद्ध है। ऐसी ब्रह्मचर्य की महिमा है, करके तो देखो कि ब्रह्मचर्य के कारण मंदिर का गेट बंद, और वह गेट जैसे ही वो आया, पैर लगाया, राजा का नाम याद नहीं है, या तो जीवंदर स्वामी या श्रीपाल, जीवंदर भी है, तो गेट खुल गया, श्रीपाल जी भी है कोटिबल, रानी विजया, रानी विजय, राजा विजय, चंदोवा काला, उस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से जो है वह भी क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। ऐसी ब्रह्मचर्य की महिमा है, हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए कि इस युग की प्रेरणा देने के लिए तीर्थंकर बिना शादी के नहीं रहते हैं, शादी कर होती होती है उनकी, लेकिन जो है इस युग को प्रेरणा देने के लिए जो है एक नहीं पांच पांच तीर्थंकर जो है नहीं की
ये पंचम काल बहुत हुंडा सरपड़ी काल का दोष है, इसलिए सावधान रहना। तो इसीलिए जो है एक सगाई भी हुई, नेमनाथ की सगाई भी हुई। उन्होंने कही अरे, फिर पार्श्वनाथ ने तो कहा था पार्श्वनाथ से जो है कि भाई तुम्हारी शादी करवा दे। उन्हें भाई नहीं, महावीर की तो चर्चा भी नहीं चली, उससे पहले ही निकल लिए। इसलिए जो है, और आज के समय बाल ब्रह्मचारी ये मुनि आर्य का जो है इस युग में दिखाई दे रहा है, जहाँ भौतिकता का युग चल रहा है, अपने आप को जो है कर्म है। कभी कोई मुनि इस पद से यदि वो हुए भी हैं, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ गया कहीं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें क्या एक स्थितिकरण और उपगुहन अंग से पुनः पुनः हमें जो है उन्हें उस व्रत में स्थिर करना चाहिए। लेकिन जो है अपने बच्चों को संस्कार यदि हमने दे दिए, यही बच्चे आज के जो है संस्कार दिए, तो ये मुनि परंपरा आदि जो है चलती रहेगी यदि हमने संस्कार नहीं दिए। क्योंकि मुनि आदि आर्य का संस्कारों से बनते हैं, हमें ऐसे संस्कार देना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की। आज शाम को आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।